आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप 5 ब्रेकिंग न्यूज पर एक नजर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। पुणे में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां कूड़ा उठाने गए 3 लोगों पर होटल के एक कर्मचारी ने खौलता हुआ पानी फेंक दिया। इसमें बुरी तरह से झुलसने पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को अरेस्ट कर लिया है और होटल को सील करने की तैयारी भी की जा रही है। ये दिल दहला देने वाली घटना पिछले सप्ताह की है, लेकिन मामले का खुलासा मंगलवार को एक पीड़ित की मौत के बाद हुआ। वारदात पुणे के सासवड़ इलाके में 25 मई को हुई है। होटल संचालक नीलेश उर्फ पप्पू जगपात के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। लोगों का आरोप है कि पुलिस स्थानीय विधायक के दबाव में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल होटल संचालक फरार है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मायके जाने से रोकने पर एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने शव को नष्ट करने के लिए अपने मां और भाई की मदद ली और चुपके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस निरीक्षक विकास पाटिल ने बताया कि घटना नांदेड़ जिले के पांडुराना ताल भोकर में हुई है। पुलिस ने निर्दयी मां समेत उसके भाई व मां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां की पहचान धुरपाड़ा गणपत नीलमवाड़ 30 वर्ष के रूप में हुई है। मारे गए बच्चे की पहचान दत्ता गणपत निमवाड़ 2 वर्ष और अनुसुईया 4 महीने के रूप में हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 16 माह की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके माता पिता को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई गई। यौन उत्पीड़न करने के बाद पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने जनवरी में पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और मां के खिलाफ हत्या में भागीदारी का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और सिर्फ 5 महीने में अदालत ने यह फैसला लिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात सिकंदराबाद शहर में 3 जनवरी 2022 को हुई थी। बेटी को मारने के बाद पति पत्नी सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन से शव को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। दोनों को संदेहास्पद स्थिति में देख किसी यात्री ने रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दे दी और इस मामले का खुलासा हुआ। दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोलापुर सेशन कोर्ट ने इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया था। मुंबई में दिंडोशी कोर्ट ने साकिनाका रेप और मर्डर के मामले में मोहन चौहान को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है। इससे पहले 30 मई को कोर्ट ने इस मामले में 45 साल के मोहन को दोषी ठहराया था और 1 जून बुधवार को सजा तय करने के मुद्दे पर बहस रखी थी। बुधवार को जब जस्टिस के सामने ये मामला आया तो राज्य सरकार के वकील ने आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट ने वकील की मांग को सही ठहराया और कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज़। ज्ञानवापी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। नागपुर में RSS के एक कार्यक्रम में गुरुवार शाम भागवत ने कहा, ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना, वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है। वो यही के मुसलमान हैं। भागवत ने आगे कहा, वे बेशक बाहर से आई हैं लेकिन वो भी एक पूजा पद्धति है और जिन्होंने अपनाई है उन सबके पूर्वज भी हमारे ऋषि मुनि और क्षत्रिय ही हैं। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सके। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन।